सिंह जी राठौर साहब, नैनदान जी रत्नो साहब, सोहनलाल जी बेटरा, आप सभी का फंसाया जा रहा है, वो सब हमारे सबके बंधु हैं। इस बात भी हम इसके ऊपर नजर भी रखते हैं, लेकिन मुझे आज विशेषकर चारण होने के नाते एक खुशी हुई है। वैसे तो ये संघर्ष का समय है, खुशी की बात नहीं हो सकती। जो भी जांच की गई उसमें भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, लेकिन संख्या बल की बात आती है तो हम तो जगदम्बा के उपासक हैं, हम शक्ति के उपासक हैं। इस बात मैं सभी के सामने, मात्र चारणों के नहीं, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मेरी बात सुनने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बाड़मेर की जनता को, इस प्रसंग से आप सुने कि जंगल में आग लगी, कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे साथ हमेशा बैठने वाले थे। सड़क दुर्घटना हुई, वहां से आ रहे थे चौराहे के पास, 8:30 बजे की घटना है। 8 बजे उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। किसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो, वहाँ इसी तरह तुम लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाओ, किसी की औकात नहीं। 1000 सोना राम आ जाए, किसी का बाल भी बांटा नहीं जा सकता, किसी का बाल भी बांटा नहीं कर सकते। ये तो अब 7 महीने की कहानी है। बात रही पुलिस की, बीजेपी की शव यात्रा निकालने पर तुले हुए हो राजस्थान में, मैं तो कहता हूं हम आज जिस तरह से पंचायत बुलाई है, इसी तरह से दोबारा भी महापंचायत बुला सकते हैं बीजेपी के लिए। दाता जसवंत सिंह जी का खोया हुआ मान सम्मान वापिस लौटाओ। चतुर सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच आती निरंतर उनका परिवार या मुसलमान जसवंत सिंह जी के चुनाव के अंदर तेज सिंह जी जसवंत सिंह जी का सपोर्ट और कर्नल सोनाराम रेणुका जी को बात नहीं दूर बैठा हुआ आदमी पुलिस के इंतजार बैठा हुआ मर्डर करता है और मर्डर करता तो सुनते नहीं हुआ और 1.5 साल में तो ढुआ नहीं और वो आदमी मर गया जब उन्होंने शुरू किया कि आपको कोई कोई देता इसलिए सर आप क्या का आरोप लगाया जा रहा है एक एक पूरी कौम के द्वारा एक पूर्व एमपी एक वर्तमान एमपी दोनों कह रहे हैं साहब तेजनाथ ने हमारे आदमी को मार दिया। मैं उस वक्त चौटन था और 100% मैं कसम से कहता हूं कि मामला 100% एक्सीडेंट का है। जांच एजेंसी जो जांच कर रही है जयपुर में CIDCB में IPS लेवल की भी जांच हो चुकी है और हमें विश्वास है पूर्णतः कि जो जांच हो गई वो सही होगी और हमें न्याय मिलेगा। हम बिल्कुल निर्दोषी हैं और 100% निर्दोष साबित होंगे और 35 कौम हमारे साथ है। यदि मैं हत्यारा होता तो आप देख लो कितनी भीड़, 25-30 हज़ार की भीड़ किसी हत्यारे के साथ नहीं होती है। वो भी अपनी तसल्ली करके आए। लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह के साथ था और एक वर्ग विशेष का चुनाव था, हरीश जी भी चौधरी थे, कर्नल साहब भी चौधरी थे, उनको साता में कहीं मीटिंग वीटिंग करने के लिए जगह नहीं मिली। लोकतंत्र है, उसके बाद में एमपी साहब मेरे पीछे पड़े हुए, जहां भी नाम चलता आप मीडिया में हो साता रतन सिंह तेजदान और भारतान का नाम तो हर जगह एमपी साहब ले लेते हैं कि ये बदमाश लोग है। बदमाश होते तो आपके सामने भी कभी कभी आता कि ये बदमाश है और मुझे विश्वास है
कि 100% हम सही है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और मामला एक्सीडेंट का है और एक्सीडेंट का ही साबित होगा और ये लोग बदनाम होंगे और झूठे होंगे। मेरे प्रकरण में दो जांचें हुई, पहले शुरुआत में तो आपको पुलिस में ध्यान है फर्स्ट आई जो करता है लाठी पीटी जाती है। बाका सर ऐसे तो ने एक दिन में प्रमाणित कर दिया कि भैया उन्होंने नाम दिए थे 4-2 को आरोपी, मेरे को 120B में माना के चुनाव लग रहा है उनकी वजह से हुआ, जिसके बाद में CIDCB में जांच की। उमेश सिंह जी ने एक्सीडेंट माना, फिर इन्होंने रैलियां धरने प्रदर्शन किए, फिर सरकार ने कमेटी बना करके IPS जगदीश शर्मा और 2-3 अधिकारी और थे उनको वहाँ भेजा, उन्होंने भी जाँच की, उन्होंने भी मुझे विश्वास है पूर्णतः एक्सीडेंट ही माना, नहीं माना होता तो मुझे गिरफ्तार कर लेते। उनके बाद में इन्होंने भीड़ इकट्ठी करके सरकार को दबाव बनाया, मिलन कुमार जी करके कोई जांच कर रहे हैं और मुझे विश्वास है 100% वो सही जांच करेंगे और पूर्णतः सत्य सामने आएगा। ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के अंदर एक आदमी घायल हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। तेजदान जी सत्ता उस दिन जो वहाँ मीटिंग से 150 किलोमीटर दूर मीटिंग में थे, सारे अधिकारी मौजूद थे, फिर भी कर्नल सोनाराम और हरीश चौधरी दोनों एकजुट होकर के उनको फंसाने में लगे हैं, क्योंकि जो चुनाव हुआ था लोकसभा में उसमें तेजदान जी सत्ता जसवंत सिंह जी के साथ थे और उन लोगों ने कहा हमें मीटिंग करने के लिए जगह दो, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास कोई जगह नहीं है। उस वजह से वो वैमनस्य रखते हैं और वैमनस्य रख के उन्होंने 1.5 साल बाद अब वो आदमी मरा है, तब उन्होंने कोशिश की कि इनको फंसा दिया जाए। 3-3 बार इंक्वायरी हो गई, फिर भी ये कहते हैं साहब कानून क्या होता है, हमारी जांच करने जो होगी। तो आज 35 गोम इकट्ठी हुई है और 35 गोम की मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा गया तो जन आंदोलन होगा, जेल भरे जाएंगे और प्रशासन की जवाबदारी होगी, कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़े। तो ये कहते हैं कि तेजदान नहीं मराया इसको, तेजदान 2005 से पंचायत पे काबिज है, अगर उसको मराना होता तो 10 आदमी अब तक 10 आदमी मर चुके होते, लेकिन वोट उसके पास है और जनतंत्र वोटों का राज है तो वोटों के बल पर तेज सिंह जीतता है, वो उनको बर्दाश्त नहीं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से तो मांग की है आप एक्सीडेंट केस है इसलिए इसमें FIR लगाई जाए केस के अंदर और निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए जिन लोगों ने कार्रवाई की है, और कर्नल सोनाराम और हरीश चौधरी की नादिरशाही जो बाड़मेर जिले में उसको रोका जाए। ये लोग यहाँ इस तरह से जातिवाद का जहर फैला करके 35 कौम को दबाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। आज एक नया गठबंधन बना है, 35 कौम इकट्ठे हुई है और 35 कौम ने तय किया है कि आने वाले समय में बाड़मेर के अंदर कर्नल सोनाराम और हरीश चौधरी की लॉबी को उखाड़ के फेंक दिया जाए। मांग यही है कि जो यहाँ सोनाराम जी के दबाव में पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं उनको हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, वो तेजकरण जी निर्दोष हैं तो उनको निर्दोष ही साबित किया जाए। यहाँ सोनाराम जी के दबाव में कार्रवाई हो रही है और झूठे मुकदमे लगाने का ये काम चल रहा है। आपको पहले भी ज्ञात है आनंद पाल एक पप्पू हुआ करता टीचर बनने की उसकी तमन्ना थी, उस पर झूठे मुकदमे लगा लगा के कि उन्होंने गैंगस्टर बना दिया था। तो ये राजस्थान की एक राजनीति है, ये जातिवाद की जो छवि लग चुकी है इसको मिटाना होगा। ये 35 कौम आज जाट समाज के खिलाफ, सोनाराम के खिलाफ, उसके वो सगा हैं हरीश चौधरी, वो दोनों एक कांग्रेस से लड़ता है एक BJP से, सगे हैं दोनों, मंच साझा करने में उनको कोई परहेज नहीं है, ये पार्टियाँ ही ऐसी हैं दोनों, और उनके दबाव में जो प्रशासन अधिकारी काम कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से आग्रह है कि आप इस जनता की नौकरी करें, सरकार की नौकरी करें, उनकी नौकरी करना बंद कर दें। तो करनी सेना इसमें किस तरीके से आगे साथ रहे, क्या कहते हैं? करनी सेना इसमें ये रहेगी कि अभी भी ये अधिकारी लोग नहीं सुधरे और सोनाराम के और हरीश चौधरी के दबाव में झूठा उनको फंसाया गया तो हम प्रशासन और शासन की ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे राजस्थान में और जयपुर में जल्दी महापड़ाव डालेंगे। सर, जाट समाज ने 15 दिन का अल्टीमेट दिया, आपका क्या कहना है? वो 15 दिन का दे चाहे 5 दिन का दे, हमें तो न्याय चाहिए, चाहे 2 दिन में दो चाहे 20 दिन में दो, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। 16वें दिन देख लेंगे वो क्या करते हैं, फिर 17वें दिन 18वें दिन हम कर लेंगे। सरकार के लिए क्या मैसेज है वसुंधरा जी के लिए? वसुंधरा जी के लिए ये मैसेज है कि जो धरातल पे चल रहा है वो या तो उनको पता नहीं है, अधिकारी IBCID उनको मिसगाइड कर रही है। आज BJP की सब यात्रा की तरह निकल रही है हर क्षेत्र के अंदर, आज 25 से 30 हज़ार यहाँ आए हैं 35 कौम के लोग BJP के खिलाफ करने के लिए आए, क्यों? उनको ध्यान देना चाहिए इस ओर। मेरा तो एक ही कहना है कि ये युवा BJP को छोड़ चुके हैं, गाँव के अंदर जाते हैं वहाँ बोर्ड लगे हुए मिलते हैं, कमल का फूल हमारी भूल, पर मैं कहता हूँ कि हम उनको एक मौका और दे सकते हैं, सोच सकते हैं हम समाज की महापंचायत बुला करके,
चतुर सिंह हत्याकांड की इनकाउंटर की फर्जी इनकाउंटर किया था उसकी सीबीआई जांच अतिशीघ्र करवाएं, आनंद पाल जी की अतिशीघ्र सीबीआई जांच करवाएं, उनके परिवार को मुख्य धारा में लाएं, जो युवाओं पे जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस ले सरकार, तो हम सोच सकते हैं कि बीजेपी को दोबारा वोट देने चाहिए या नहीं चाहिए।